दोस्तों, आपने फिल्मों में या टीवी में यह तो देखा ही होगा कि पुलिस वाले अपराधी से सवाल पूछते हैं और झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर तुरंत ही पता लगा लेती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। दोस्तों, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चिकित्सा के एक छात्र जॉन लॉर्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नलियां और तार उसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आए इस परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के आंकड़ों का विश्लेषण होता है। झूठ का पता लगाने के लिए मशीन को व्यक्ति के शरीर से जोड़ दिया जाता है। उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग सिग्नल को देखा जाता है। एक प्रश्नकर्ता उससे प्रश्न पूछता रहता है। यदि वह झूठ बोलता है तो उसके दिमाग से एक सिग्नल P300 निकलता है और उसका हार्ट रेट व ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कंप्यूटर के अंदर सहेज लिया जाता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और फिर भी वह अपराध के बारे में कुछ जानता है तो भी उसके दिमाग से विशेष सिग्नल निकलेगा जिससे प्रश्नकर्ता को यह पता लग जाएगा कि यह उस अपराध के बारे में कुछ जानता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपराध के बारे में कुछ नहीं जानता है तो उसके दिमाग से कोई सिग्नल नहीं निकलेगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट में कुछ निम्न चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे सांस की गति, ब्लड प्रेशर, व्यक्ति की पल्स, शरीर से निकलने वाले पसीने को व हाथ और पैरों की मूवमेंट को। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से पॉलीग्राफिक मशीन कार्य करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पॉलीग्राफिक मशीन यानी लाई डिटेक्टर कैसे काम करती है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।